नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में ये जो 100 रुपये वाले खर्च बचत का सवाल है उसका रियल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सवाल क्या था कि मेरे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से 40 रुपये खर्च किया तो कितना बचा? 60 रुपये। 60 रुपये में से फिर से 30 रुपये खर्च किया तो बचा 30 रुपये, ये भी ठीक। 30 रुपये में से 18 रुपये खर्चा किया, बचा 12 रुपये, ये भी सही है। अब 12 में से टोटल 12 रुपये खर्चा कर डाले तो बचा 0 रुपये, ये भी ठीक है। अब एक खर्चा का कालम भर गया और बचत का कालम भी भर गया। अब खर्चा के कालम को टोटल करने से हो रहा है 100, ये तो ठीक है क्योंकि मेरे पास 100 रुपये थे और खर्चा हुआ टोटल 100 रुपये। और बचत कालम को टोटल करने से हो रहा है ये 102 रुपये। बात यहाँ है, सवाल के मुताबिक ये दोनों बराबर होने चाहिए, यहाँ 2 का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप भी बोलोगे बराबर ही होना चाहिए, यहाँ 2 का डिफरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी सही है, बराबर तो होना ही चाहिए क्योंकि खर्चा भी किए हैं और बचत भी किए हैं। और हाँ, खर्च और बचत के टोटल को बराबर दिखाना कोई कठिन काम नहीं है। चलिए इसे मैं बराबर करके दिखाता हूँ। सवाल क्या था कि मेरे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से 40 रुपये खर्च किए, बचा 60 रुपये, 60 रुपये में से फिर 30 रुपये खर्चा किया, कितना बचा? 30 रुपये बचा, ये भी ठीक। 30 रुपये में से अब 20 रुपये खर्चा किया, 20 रुपये खर्चा करने के बाद बच रहा है 10 रुपये, 10 में से अब 10 रुपये खर्चा कर दिए तो बचा 0 रुपये। अब देखो खर्चा के कालम को टोटल करके देखो, बचत के कालम को टोटल करके देखो, ये भी हो रहा है 100, ये भी हो रहा है 100। अब फिर भी आपको संतोष नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे पता है। और ये दिमागी उलझन ख़त्म करना है तो सिंपल वे में सोचना होगा। सिंपल वे में सोचिए, जैसे कि मेरे पास 100 रुपये था, मैंने पूरे 100 रुपये खर्चा कर डाले तो अब मेरे पास बचेगा ही क्या? ऑलमोस्ट 0 बचेगा ना, यही समझना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ आपका समझ एकदम क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मेरे पास 100 रुपये था, 100 रुपये में से मैंने 40 रुपये खर्चा किया, 40 रुपये खर्चा करने के बाद मेरे पास कितना बचा? 60 रुपये। अब 60 रुपये में से मैंने फिर खर्चा किया 30 रुपये, 60 में से 30 खर्चा किया तो कितना बचा? 30 रुपये बचा। अब ये 60 नहीं बचा है यहाँ पर, 60 के जगह पर, क्योंकि 30 रुपये खर्चा हो गया तो 60 बचा नहीं है, इसके जगह पर 30 बचा है, यही समझना है आपको। अब 30 बचने के बाद फिर से 18 रुपये खर्चा किए, 30 में से 18 खर्चा किए तो यहाँ 30 अब नहीं रहा, इसमें से 18 खर्चा हो गया तो 30 के जगह पर बचेगा 12 रुपये। अब लास्ट में क्या होता है कि 12 में से 12 टोटल खर्चा हो जाता है, तो 12 में से टोटल 12 खर्चा हो गया तो यहाँ 12 नहीं बचा है, 12 के जगह पर बचा है 0 रुपये, यही समझना है। अब आप इसको टोटल करके देख लीजिए, खर्चा को टोटल 100 रुपये होगा क्योंकि 100 रुपये था, टोटल खर्चा हो गया 100 रुपये, अब बचत होगा 0, यही इसका रियल सॉल्यूशन है। बचत तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सारा तो खर्चा हो जा रहा है, ज़बरदस्ती इसको बचत दिखा करके जोड़ना गलत होगा या गलत है, यही सॉल्यूशन है। यहाँ माइंड डाइवर्ट हो जाता है और कन्फ्यूज हो जाता है, यही इसका समाधान है और कुछ नहीं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।